हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। दिन है संडे और सुपर फास्ट जीके टेस्ट में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों 2 बजे टाइम हो चुका है और जैसा कि हम हर संडे को दोपहर को 2 बजे अपना जीके टेस्ट रखते हैं, आज फिर 100 क्वेश्चंस और 60 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों आज का दिन थोड़ा सा अलग है। कुछ बच्चों ने मुझसे जीके का सिलेबस पूछा था और उसके ऊपर बहुत से अलग 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 डाउट्स बच्चों के आए थे, तो जस्ट मैं आपको 2 मिनट में इससे रिलेटेड कुछ बातें अपडेट करके बता देना चाहता हूँ। हालांकि इसके ऊपर मेरा एक अलग से सेशन भी आएगा जिसमें मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। बहरहाल आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करिए कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दरअसल होता कैसा है। देखिए दोस्तों, आप आईबीपीएस पीओ की एग्जाम दे, आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम दे, चाहे इंश्योरेंस की कोई एग्जाम दे जैसे कि एनआईएसीएल हो गया या एलआईसी हो गया, या फिर रेलवेज की कोई एग्जाम दे, या फिर एसएससी की कोई एग्जाम दे, या कोई भी दूसरी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम दे, राइट? इन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है जनरल अवेयरनेस को लेकर। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम रेलवेज की बात करें तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो है वो स्टैटिक जीके पे बहुत ज्यादा जोर देने वाला होता है। उसी तरह से स्टैटिक जीके का महत्व एसएससी में भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम आईबीपीएस की एग्जाम्स की बात करें, खासकर पीओ की बात करें, तो यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस को बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्लर्क लेवल पे जनरल अवेयरनेस को महत्व होता है, और इंश्योरेंस की एग्जाम में इंश्योरेंस अवेयरनेस को महत्व होता है। यानी ये पूरी बात अगर आपको समझ में आई है तो हम अपनी जनरल अवेयरनेस की तैयारी को 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि मैं लिख देता हूं जीके जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स की तैयारी करनी चाहिए। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी करने के कौन से टॉपिक्स पे की जाती है। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस। दूसरा आपको करनी होती है स्टैटिक जीके की तैयारी, स्टैटिक जीके की ये क्या है ये भी मैं बताता हूँ। तीसरा होता है दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस, ये खासकर उनके लिए जो बैंकिंग की परीक्षा देते हैं। और चौथी आपकी तैयारी जरूरी होती है इंश्योरेंस अवेयरनेस की, अगर आप इंश्योरेंस की कोई एग्जाम दे रहे हैं तो, राइट? तो ये 4 पार्ट्स हैं। अब जनरल अवेयरनेस को ही हम कहेंगे करंट अफेयर्स, ओके? इसे हम मराठी में चालू घड़ा मोड़ी भी कहते हैं। तो करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स की आपको अगर सिलेबस जाननी हो तो ये आपके 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स के बराबर होती है। 4 मंथ्स ऑफ जीए फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम, यानी आपकी एग्जाम जब भी होगी वहां से पीछे के 4 महीने वो सिलेबस होता है आपका जनरल अवेयरनेस का। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके तो फिक्स होता है, इसके तो नाम में ही लगा हुआ है स्टैटिक, यानी ऐसा जीके जो कभी बदलता ही नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि नागालैंड की राजधानी क्या है। अब नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये बदलने वाला तो है नहीं, जैसा है वैसा ही है। तो स्टैटिक जीके में आम तौर पर आपको कंट्रीज पूछे जाते हैं, आपको कैपिटल्स पूछे जाते हैं, फिर आपको करेंसीज पूछी जाती हैं, फिर आपको डांस यानी फोक डांस के बारे में पूछा जाता है, फिर आपको इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पूछ लिए जाते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट करंट अफेयर्स में भी आता है, WLS यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इनके बारे में पूछा जाता है, रिवर्स के बारे में पूछा जाता है, ये सारी चीजें आती है स्टैटिक जीके में। तो जितनी मैंने लिखी है इन सब चीजों पर आप अपना फोकस रखिए आने वाले दिन में इन एग्जाम्स के लिए। देन बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस अपने आप में लंबा चौड़ा 17-18 टॉपिक्स का एक पूरा सिलेबस है। इसमें बैंकों के ओरिजिन से लेकर RBI की पॉलिसी से लेकर शेड्यूल कमर्शियल बैंक से लेकर उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स, देन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स,
देन नाबार्ड, देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसे हम एक्जीम कहते हैं, और फिर उसके बाद बैंक टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं बैंक की, जैसे कि व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट, व्हाट इज डेट इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज लाइबोर, व्हाट इज माइबोर, इस तरह के जो टर्म्स होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस इटसेल्फ अपने आप में एक 17 टॉपिक्स का बहुत बड़ा सिलेबस है। तो जो बच्चे पीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको ये करना पड़ता है, आरबीआई ग्रेड बी वालों को भी ये करना पड़ेगा, और अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये करना पड़ सकता है। एंड देन लास्ट में आता है इंश्योरेंस अवेयरनेस। इंश्योरेंस अवेयरनेस में आपको इंश्योरेंस रिलेटेड सारी ही जानकारी होनी चाहिए। इंश्योरेंस एक्ट पूछे जा सकते हैं, फिर उसके बाद पॉलिसीज के बारे में पूछा जा सकता है, फिर गवर्नमेंट नॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है, फिर इसके अलावा उसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि न्यू स्कीम्स जो इंश्योरेंस की लॉन्च हुई इनके बारे में पूछा जा सकता है, राइट? फिर उसके लिमिटेशंस और कैप्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो इंश्योरेंस अवेयरनेस में आती है। इंश्योरेंस अवेयरनेस में खासकर आपको LIC, NIACL जैसी एग्जाम में इसका भरपूर उपयोग मिलेगा, राइट? तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जनरल अवेयरनेस या फिर जीके, जनरल नॉलेज, इसकी तैयारी इस तरीके से करनी है, और 4 महीने का सिलेबस जनरल अवेयरनेस में रखना है जो मैंने आपको बताया। इस बैकग्राउंड के साथ अब आप प्रिपरेशन करिए और आप समझने की कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, 100 क्वेश्चंस, ये 100 क्वेश्चंस इन पूरे के पूरे सारी चीजों से रिलेटेड है या नहीं। क्योंकि आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको उसमें हम सॉलिड मटेरियल दें और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा ले आपसे, आपके मार्क्स भी अच्छे आए, सो दैट हर जगह आपको करंट अफेयर्स और जीके सेक्शन में कोई भी परेशानी ना हो, राइट? इसके ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आएगा, उसको भी देखकर आप बहुत सी बातें समझ सकते हैं। बहरहाल, आई एम श्योर कि ये छोटा सा डेमो आपको काफी हद तक कुछ बातें क्लियर करने के लिए काम आएगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आज के इंस्ट्रक्शंस हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे आज के टेस्ट में, सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी हैं हर बार की तरह। 25 सेकंड मिलेंगे एक सवाल के लिए, नो नेगेटिव मार्किंग, हर राइट आंसर के लिए 1 मार्क रहेगा। ये एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, इसीलिए आप अपना परफॉर्मेंस खुद चेक करिए। 80 से ज्यादा स्कोर लाया है आपने तो एक्सीलेंट, 60 से 70 वाले को वेरी गुड, 60 से 70 सॉरी 70 से 80 वाले को वेरी गुड, 60 से 70 वाले को गुड, 45 टू 60 मार्क्स अगर हैं तो यू आर एवरेज, और 45 से नीचे हैं तो आपको सुधार की जरूरत है, द रिजल्ट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो चलिए दोस्तों अपना पेन और बुक निकाल लीजिए, अगली स्क्रीन पर सीधा क्वेश्चन आ जाएगा और उस क्वेश्चन के साथ टेस्ट शुरू हो जाएगा, और 25 सेकंड का टाइमर भी शुरू हो जाएगा। जो भी आपका राइट आंसर होगा वो आप अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा, टेस्ट के लास्ट में आपको आपकी आंसर कीज मिल जाएंगी। तो प्लीज बी सीरियस और कोई भी डिस्टरबेंस मत रखना अपने आजू बाजू में। शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी जल्दी पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन पल भर में गायब होते हैं इस टेस्ट में। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, भले आपको आंसर पता हो या नहीं, आप चांस लीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए।
अच्छी रखी है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कर्णम शेखर। जी सेकंड के अंदर सवाल भी ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस भी ठीक से देखने हैं और आंसर भी करेक्ट ही लाना है। तैयारी अच्छी नहीं होगी तो स्वाभाविक है आप इतने इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए चलिए, मैंने जो सिलेबस बताया था बराबर उसके हिसाब से टेस्ट है ये। आज के टेस्ट में स्कोर नहीं किया मतलब दिल्ली दूर है बेटा आपके लिए। दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रशियन इलेक्टोरेट ग्रांटेड विद व्लादिमीर पुटिन टू स्वे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग व्हिच ईयर। पार्लियामेंट में बदलाव कराए इन्होंने। वंस अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बात है आज सारी लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्ञानबाजी का जीके टेस्ट काफी कॉम्प्रिहेंसिव और काफी लाभदायक है।
आप तैयारी कहीं से भी करिए, जीके टेस्ट के लिए ज्ञानबाजी पे हर संडे को 2 बजे आना मत भूलिए। और आते साथ जरा लाइक शेयर किया करो यार, शेयर सेशन को अपने दोस्तों को भी बोलो कि ये टेस्ट दें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर पोडियम पोजिशन रैम 2020, जीके सीरीज में कवर करवाया था मैंने ये। इस वक्त ज्ञानबाजी में जीके टेस्ट के अलावा हमारी जीके सीरीज, द हिंदू के एनालिसिस और रोज के जीके टॉपिक्स के वीडियो भी आ रहे हैं, इसीलिए ज्ञानबाजी करंट अफेयर्स के मामले में एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके लिए। आज ही ज्वाइन करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, सब कुछ फ्री है, सब कुछ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुलाई मंथ का सारा जीके अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आंसर जरूर आएगा। चलिए भैया, देखते देखते पहला पड़ाव आ गया, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तीन पड़ाव और बाकी हैं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, वीडियो बीच में तो बिल्कुल पॉज नहीं करना है, कंप्लीट टेस्ट देना ही है। शुरू किया है तो अंत तक पूरा टेस्ट देना है। 2 बजे का टाइम टेस्ट के लिए सेपरेटली निकाल के बैठा करो, इस समय कोई और काम करो ही मत।
1 घंटा सिर्फ टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एशिया कप टूर्नामेंट पे। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी कवर्ड इन द जीके सीरीज, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन दैट साइंड एन एमओयू विद सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। चलिए दोस्तों, स्पीड पकड़िए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते जा रहे हैं। आज का ये टेस्ट वाकई में 100 आउट ऑफ 100 लाने जितना जरूरी हो गया है।
देखते देखते 40 क्वेश्चन हो गए। चलिए दोस्तों, दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लास्ट के 3 क्वेश्चन और हाफ टेस्ट विल बी कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन भी जीके सीरीज में मैंने कवर करवाया था। स्टॉकपाइल इंडिया कहाँ मेंटेन कर रहा है अपना? यस, हाफ ऑफ द टेस्ट इज कंप्लीटेड नाउ। We have reached 50 questions. बोर नहीं होना है, टेस्ट आखिरी तक देना है, खूब मेहनत करना है। IBPS PO के लिए ये सब जरूरी है।
नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 54, 46 क्वेश्चंस और हैं। ऑन गाइस, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, फटाफट, टाइम पे आंसर्स आने बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल चेस डे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, सबको आना चाहिए इसका आंसर। तो Three questions now, last 40 to go. चलिए चलिए, स्पीड पकड़िए थोड़ी और।
चलिए बढ़ते रहिए स्पीड लाइए, आखिरी तक 100 क्वेश्चन होते तक नॉन स्टॉप चलना है। और आज के टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए मिनिमम। तीसरा पड़ाव आने वाला है, बस 2 क्वेश्चन और। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। चौक चौराहा रोड, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? यस, तो इसी के साथ 75 क्वेश्चंस पूरे हो गए दोस्तों आज के टेस्ट के। आखिरी पड़ाव चल रहा है अब, लास्ट के 25 क्वेश्चन। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार आंसर देते रहना है। हफ्ते में एक बार ऐसी कसौटी होनी ही चाहिए।
यस 80 क्वेश्चंस हो रहे हैं, अब लास्ट के 20 रह गए केवल। यस ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, मेरे राफेल वाले वीडियो में मैंने ये करवाया था। ये थोड़ा सा पुराना हो गया है क्योंकि 6 अगस्त तारीख तो निकल गई, बट क्वेश्चन थोड़ा जाना पहचाना है। यस सो फाइनली लास्ट के 10 क्वेश्चंस बच गए हैं अब।
आखिरी के पांच सवाल, उसके साथ ही टेस्ट खत्म होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्ट्रोस इज द मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? जैक्सा जापान का, मलाला डे। ये मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज में करवाया था। जितने लेक्चर्स जुलाई मंथ के मैंने लिए हैं वो सब ज्ञानबाजी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक देखिए और वहां जाकर लाइन से सारे लेक्चर करके रख लीजिए। जून और जुलाई के करंट अफेयर्स के लिए तो कोई परेशानी होगी ही नहीं आपको। बस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। फोर थ्री टू वन जीरो एंड टाइम अप। सो दोस्तों, टाइम खत्म, टेस्ट कंप्लीट। कैसा रहा आपका अनुभव? सारा का सारा, सारे क्वेश्चंस कर लिए आपने, सब कुछ नोटबुक में लिख के रख लिया है। अब वक्त हो चला है इन क्वेश्चंस के आंसर्स का। तो अब अगली स्लाइड में मैं आपको आंसर कीज दिखाने वाला हूं। 2 मिनट के लिए आंसर की स्लाइड ओपन रहेगी। फटाफट अपने आंसर चेक करिए और अपना स्कोर कैलकुलेट करिए। वीडियो पर कमेंट थ्रेड में अपना स्कोर डाले बगैर जाना नहीं है। तो ये रहे आपके आंसर कीज, गेट दैट चेक्ड। यस कम ऑन, डू इट फास्ट। क्वेश्चन के ठीक बाजू में उसका आंसर है। वन का बी, टू का डी, थ्री का सी, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के टेस्ट देते रहने चाहिए सो दैट हमें बार बार पता चले कि रियल एग्जाम के हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस कैसा होगा। जीके का कोई भी टेस्ट मत छोड़िए। अगर आप उस वक्त नहीं तो कम से कम बाद में तो ये टेस्ट दे ही सकते हैं, शाम को या रात को। इसके पहले के तीनों टेस्ट भी अगर आपने अभी तक नहीं दिए हैं तो YouTube चैनल ज्ञानबाजी पे जाइए और तीनों टेस्ट दीजिए। ज्ञानबाजी YouTube चैनल पर आपके लिए दो तीन अलग अलग प्लेलिस्ट हम बनाने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स की अलग, जीके के टॉपिक्स की अलग, द हिंदू के न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स की अलग और इस टेस्ट की एक सीरीज बनेगी अलग। सब कुछ जरूरी है। ऑल राइट दोस्तों, सो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस विद देयर रेस्पेक्टिव आंसर कीज। अगर आपका आंसर चेक करना नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा एक बार देख लेना। तो दिस वाज द एंड ऑफ आवर सेशन। उम्मीद करता हूं कि आज के जीके टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा और आपको हमारा ये काम पसंद आया। अगर वाकई में इस तरह के टेस्ट आप और चाहते हैं तो प्लीज कमेंट थ्रेड में अपने सुझाव और
अपने सारे फीडबैक्स हमें देना बिल्कुल ना भूलें। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले दिन में करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन तक भी ये सेशन जरूर पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे फिर मिलते हैं जीके टेस्ट नंबर 5 के साथ विथ वेरी ब्यूटीफुल 100 क्वेश्चंस ऑन एंड अ फिक्स्ड सिलेबस ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।